हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं और सारा डिटेल जानने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली क्या देख लिया, अतरंगी रे मूवी, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट पे है, नया टाइप का है। इसमें आपको ना तो क्राइम ड्रामा और इन्वेस्टिगेशन पे कुछ भी नहीं है, आपको पूरा डिफरेंट मूवी देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक रियलिटी बेस्ड मूवी है। बिहार में ऐसा अभी भी कहीं कहीं होता है, लेकिन 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 मगर ये मूवी का जैसा नाम है अतरंगी, उसी तरह का कमाल भी है सतरंगी। अभी अतरंगी रे मूवी कब रिलीज हुआ था, तो आपको 24 दिसंबर 2021 को, और आपको ये डिज्नी हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मूवी देखने के लिए कितना समय देना होगा, 2 घंटे 18 मिनट। मेरे को जहां तक लगता है कि 2 घंटे 18 मिनट इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा है। सेकेंड हाफ में आप बिल्कुल बोर हो जाएगा, चटा जाएगा, आप किसी भी कार्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लास्ट में थोड़ा देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आप सारा अली खान से कनेक्ट हो पाइएगा, वो भी लास्ट में। थोड़ा सा आप सैड हो सकते हैं, ठीक है, मैं जैसे हो गया था। तो अब ये मूवी में क्या दिखाया हुआ है, तो आगे मैं बता देता हूं। और ये इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो आनंद एल राय है, ठीक है। और इसके मेन कौन कास्ट है एक्टर में, तो अपने धनुष है। और इसमें एक्ट्रेस कौन है, तो सारा अली खान है। अब ये जो धनुष है, उनका ये तीसरा हिंदी मूवी है, ठीक है। और ये जो आनंद एल राय डायरेक्टर है, इनके साथ ये दूसरा कोलैबोरेशन मूवी इनके साथ हुआ था, ठीक है। अब ये जो है अतरंगी रे मूवी, ये उसी के किसके डायरेक्टर के थ्रू बनाया हुआ है, जो कि अपने तनु वेट्स मनु रिटर्न बनाए थे और रांझना बनाए थे। तनु वेट्स मनु रिटर्न तो इतना अच्छा था, कॉमेडी से भरपूर, लाजवाब, स्टोरी लाइन भी अच्छा था, आप कंप्लीट फैमिली वाले के साथ देख सकते थे। और अपना रांझना भी एक लव स्टोरी था, जो कि वो भी मुझे अच्छा लगा था। लेकिन अतरंगी रे मतलब फर्स्ट हाफ में आप ओके ओके कॉमेडी ड्रामा से मजा से लोटपोट हो जाएगा, मगर सेकेंड हाफ इतना बोर दिखा दिया है कि आप चटा जाएगा, सर पकड़ लीजिएगा कि इतना 2 घंटे 18 मिनट का मूवी क्यों बना दिया, सिर्फ 2 घंटे का भी रहता और उतना ही कचरा कचरा गाना भर दिया। मेरे को तो गाना एक भी पसंद नहीं आ रहा था। अब इसमें जो हमारे धनुष हैं, उनका हिंदी एक्सेंट तो ऐसे तमिलियन ही एक्सेंट में आ रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप समझ पाएंगे जो धनुष बोल पा रहे थे। लेकिन धनुष का एक्टिंग कहीं कहीं इतना ड्रामा दिखा रहा था ना, लगे कि वहाँ पे उनको और थोड़ा सा अपना परसेंट देना चाहिए था, जो कि दिए नहीं है। जैसे एक सीन में वो एक्ट करते हैं कि कोई मर गया है और वो उनको ऐसे उठा रहे हैं, तो कोई मर गया है और कोई उठाता है, तो भाई थोड़ा आप स्ट्रगल करेंगे ना, वो तो बैग नहीं है, एयर बैग नहीं है कि आप ऐसे फट से उठा के चल देंगे, मतलब ऐसे गोदी में उठा के चले जा रहे, लग रहा है कि आपके हाथ में 1 kg का कोई सामान है। कोई डेड बॉडी हाथ में रहेगा, एक तो आदमी सैड रहेगा, और सैड नहीं भी रहेगा तो वो स्ट्रगल करेगा अकेले उठाने में। आप ऐसा नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते धनुष, आपको इस पे थोड़ा और काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे उनका मेरे को ड्रॉबैक लगा। और उनका कहीं कहीं फ्रेंड थे, जो कि वो लोग का भी एक्टिंग, एक जगह दूध दूह रहे थे, मिल्किंग कर रहे थे, कौन धनुष के फ्रेंड, नौटंकी कर रहा है, ये सब क्या दिखाने का जरूरत है भाई, मिल्किंग कर रहे हो तो अच्छे से करो ना, कचरा भर दिया। सेकेंड हाफ में आप बिल्कुल बोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस मूवी का आपको क्या बोलता है, क्या जोनर्स तो बोलता है कॉमेडी ड्रामा और रोमांस से भरपूर है, जो कि कॉमेडी है वो भी फर्स्ट हाफ में 1 आवर तक, ठीक है। रोमांस तो कुछ नहीं, रोमांस के नाम पे नौटंकी दिखाया गया, इसी को रोमांस कहता सरिया सारा अली खान, आप इसको रोमांस कहते हैं, तो आप प्लीज इस मूवी को नहीं करिए और आगे भी ऐसा मूवी नहीं करिए, ये रोमांस के मूवी के कैटेगरीज पे बिल्कुल नहीं उतरता है, ठीक है। हाँ, ड्रामा है, ड्रामा में नौटंकी दिखाया गया है, वो मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पैरेंटल गाइडलाइन बता देता हूँ कि इस मूवी को आप कंप्लीट फैमिली वाले के साथ देख सकते हैं, ना तो इसमें प्रोहिबिटेड सीन है, स्मोकिंग ड्रग्स अल्कोहल का सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये फैमिली वाले के साथ देखिएगा भी तो बोर हो जाएगा, ठीक है। इस मूवी के स्टोरी लाइन में दम नहीं है, फर्स्ट हाफ तक कॉमेडी है, उसके बाद सेकेंड हाफ में सारा अली खान का नौटंकी है, धनुष का कहीं कहीं नौटंकी है, और अपने इसमें अक्षय कुमार भी हैं, वो भी लग रहे थे कि नौटंकी ही कर रहे थे। अब अक्षय कुमार का क्या काम रहता है, क्यों आते हैं, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। स्पॉयलर है भाई, जिसको घबराहट हो रहा है स्पॉयलर से, तो इस मूवी को, इस रिव्यू को यहीं छोड़ के चले जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है,
कि ये मूवी का आपको स्क्रिप्टिंग ओके ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, पता नहीं मेरे को कैसे आईएमडीबी रेटिंग 7.2 जा चुका, मैं तो इसको 4 out of 10, मेरे को मूवी एवरेज से भी बिलो लगा है, फिर भी इसका रेटिंग जा चुका भाई। पर्सन टू पर्सन हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगा और किसी को कोई अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को उतना अच्छा मूवी लगा नहीं, मैं सेकेंड टाइम तो ये मूवी को देखने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैच्योरिटी रेटिंग मैं कितना दे देता हूँ, आप 10+ के ऊपर है तो जाइए मूवी को देखिए और इंजॉय कर लीजिए, मगर इंजॉय करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें गाना भी उसी तरह का ठुमका लगा लगा के दे दिया, अननेसेसरी कहीं भी गाना आ रहा हो जो कि वो भी ज़रूरत नहीं था। अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जो लोग नहीं किया क्या भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट सब्सक्राइब करके रेगुलर मेरे चैनल को देखते हो तो भाई देखना ही है तो डायरेक्ट सब्सक्राइब ठोक के और घंटे को बेल आइकन करके देखिए ना, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, अपने स्टोरी लाइन में। फ्रेंड्स स्टोरी लाइन में क्या होता है, जैसे ही ये मूवी शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि धनुष जो है अपना तमिलियन बॉय रहते उनको पकड़ के बोरी में लेके आया जाता है कहाँ पे, सारा अली खान के घर में, और उनका जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है किससे, सारा अली खान से, जो कि सारा अली खान भी इसके अगेंस्ट रहते और धनुष भाई भी अपने अगेंस्ट रहते, मगर अभी भी ऐसा बिहार में होता है कि दूल्हा का चोरी हो जाता है और उसका जबरन शादी कर दिया जाता है। तो चलो ये तो बात सच है, दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों का शादी हो गया, सारा अली खान और अपने धनुष का, और वो चले जाते हैं कहाँ, दिल्ली, और दिल्ली में क्या करते हैं अपना धनुष मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, मेडिकल का पढ़ाई करते करते हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में वो अपनी बीवी को लेके चले जाते हैं, किसको, सारा अली खान को। तो अब यहाँ पे नौटंकी देखिए ना, तो वार्डन कुछ पूछ रहा है ना वहाँ का कॉलेज प्रशासन पूछ रहा है कि भाई तुम कोई लड़की को लेके आ गए, यदि बीवी भी है तो क्या हॉस्टल में तुम उसको रखोगे क्या। चलो उस मूवी में रख लिया, चलो वहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद से जो नौटंकी शुरू होता है, क्या शुरू होता है, सारा अली खान को एक दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, अपना अक्षय कुमार, जो कि सारा अली खान को दिखाई देता और किसी को नहीं दिखाई देता। तो धनुष वहां पे थोड़ा सा नर्वसिया जाते कि क्या मेरी बीबी को ये क्या नौटंकी हो गया है और ये क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसे तो दोनों एक दूसरे के शादी से खुश नहीं रहते, सारा अली खान और धनुष भी, लेकिन वो सारा अली खान और धनुष दोनों चाहते कि हम डिवोर्स दे दे और अपना ये जो रहता है सारा अली खान अक्षय कुमार से शादी करना चाहती हैं। अब वो क्यों चाहती हैं आप मूवी देखिएगा तो पता चलेगा। तो क्या होता है कि सारा अली खान को सिर्फ अक्षय कुमार दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं होता, और सब कोई को पता चल जाता है कि मेरी जो ये है सारा अली खान, इनको कोई बीमारी है और उनसे उनको खाली अक्षय कुमार दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मूवी को राउंड एंड राउंड इसी पे घुमाया हुआ है और लास्ट में आपको पता चलेगा कि अक्षय कुमार के पीछे सारा अली खान और सारा अली खान अक्षय कुमार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और लास्ट में आपको मूवी देखने के बाद ये पता चलेगा कि धनुष से और सारा अली खान का डिवोर्स होता है कि शादी होता है और अक्षय कुमार का क्या रोल रहता है। मैं कंप्लीट स्पॉइलर नहीं करूंगा, मगर इसमें 3 मेन ही कैरेक्टर है, अपना धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार। राउंड एंड राउंड इन्हीं 3 मूवी इसी 3 कैरेक्टर पे चलता है अपना। इसमें VFX ओके ओके है, उतना VFX का यूज नहीं हुआ, सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक है, मगर मुझको धनुष का कहीं कहीं जो तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो बिहार में जब उसको पकड़ के लेके आता धनुष को तो सब घबरा जाता कि भाई ये कौन लैंग्वेज में बोल रहा है, तो वहां पे आप कॉमेडी से लोटपोट हो जाएगा। तो मूवी आपको ले दे के बिलो एवरेज है, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है तो जाके देख लीजिए, नहीं टाइम है तो फिर भी मत देखिए, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अब मैं इस रिव्यू को यहीं खत्म करता हूँ, यदि आपको मेरा रिव्यू 1% भी पसंद आया तो फटाक से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय, एंजॉय।